आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज प्रस्तुति समाचार। आज गढ़वा शहर के सहजना मोहल्ला स्थित AASD प्ले स्कूल परिसर में सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उद्घाटन किया गया। इस स्टूडियो का उद्घाटन भाजपा नेता अलकनाथ पांडे ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए अलकनाथ पांडे ने कहा कि इस स्टूडियो को खुलने से लोकल कलाकारों को काफ़ी सुविधा होगी। अब गाना रिकॉर्डिंग व कैसेट बनवाने के लिए लोगों को इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अश्लीलता के कारण भोजपुरी संगीत की छवि काफ़ी धूमिल हुई है। ऐसे में सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो को स्तरीय गानों के साथ लोगों को भोजपुरी संगीत से अवगत कराना होगा। उन्होंने कहा कि गढ़वा जैसे जगह में कलाकारों की कमी नहीं है। आए दिन यहाँ के कलाकारों के द्वारा गाए गए गीतों का कैसे बाजार में देखने को मिलता है। ऐसे में यह स्टूडियो सुदूरवर्ती क्षेत्र के गायक कलाकारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फिल्म निर्माता निर्देशक सह कलाकार प्रेम दीवाना ने कहा कि सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से यहाँ के कलाकार अपने संगीत को बुलंदी पर पहुँचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गढ़वा जैसे छोटे जगह में इस तरह के रिकॉर्डिंग स्टूडियो को खोलने से कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने व निखारने में काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो के म्यूजिक डायरेक्टर अनुप कुशवाहा ने कहा कि हमारा इसके पूर्व उत्तर प्रदेश के रावर्सगंज में उनका मुख्य ब्रांच रहा है। गढ़वा में सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो का यह दूसरा ब्रांच है। इस ब्रांच के माध्यम से इस क्षेत्र के गरीब गायक कलाकार को अवसर प्रदान करना उनका उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यदि कलाकार में गायकी का जुनून हो तो उसे सपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो अवसर प्रदान करेगा, चाहे उस कलाकार के पास पैसा हो अथवा ना हो। इस अवसर पर उपयुक्त लोगों के अलावा बीजे चौबे, आनंद सिन्हा, प्रदीप कुमार, सूरज कुमार, प्रेम दीवाना, हैप्पी चंद्रम, पवन झारखंड, विवेक दीवाना, रवि कुमार, अखिलेश देहाती, श्रीदेव राज, अनूप कुशवाहा, सूरज कुशवाहा, अजय मास्टर, सपना यादव, ज्योति प्रकाश, सत्य प्रकाश, रविंद्र कुमार, विनय वेदर्दी, रवि सिंह, कृष्णा वेदर्दी, रविंद्र कुमार मौर्य, राकेश कुम। सर क्या बोलेंगे स्टूडियो को लेकर? आज सपना स्टूडियो का उद्घाटन हुआ है और हम तो कहेंगे कि पहले स्टूडियो का नाम हम लोग बम्बई कलकत्ता में सुनते थे कि भाई स्टूडियो का में लोग जाते थे। आज गढ़वा जैसे छोटे शहर में सूरज जी और सियाराम जी के सहयोग से यह जो खोला गया है, निश्चित रूप से कलाकारों को और वैसे लोगों को जो कला के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म। साथ ही साथ अभी का समय जो है तो हर छोटे बड़े काम के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। बहुत ऐसे कलाकार हैं, बहुत से ऐसे ऐड वाले लोग हैं, बहुत से ऐसा समाज का वर्ग है जिसको इसकी रोज जरूरत पड़ती है। तो हमको तो गढ़वा में यह सुविधा मिलेगी और यह कह सकते हैं कि हम लोग भी थोड़ा एक कदम गढ़वा आगे बढ़ा है मॉडर्नाइजेशन के ओर, कि जहाँ हम रोजी रोटी के अलावा भी दूसरे काम में भी रोजी रोटी तलाश रहे हैं और वैसे लोगों को, खासकर हम यह बताना चाहेंगे कि कलाकार वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अपनी बात कभी खुल के कहीं नहीं रख सकता है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ इसको हम लोग ठीक से रख पाएंगे। हम अपने तरफ से शुभकामना देंगे, उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लगातार बरसों से हम तो यह कहें कि सियाराम जी वगैरह को देख रहे हैं कि बरसों से इस काम में लगे हुए, तो ये आप लोग जब नया जनरेशन आएगा इसका लाभ उठावे, बाकी लोग फाउंडेशन तैयार किए हैं, बिल्डिंग आप लोग तैयार करिए और इससे आम लोगों को सुविधा होगी। जो बहुत ऊंचे दाम दे के लोग बाहर जाते थे वह सस्ते दर पर यहाँ उपलब्ध होगा और सब लोग लड़के लड़कियां यहाँ के अभिभावक यहाँ के की जनता को इसका लाभ मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि यह स्टूडियो फलेगा फूलेगा और अपने सम्मान अपने स्टैंडर्ड को बचा के रखेगा। धन्यवाद। अपने आसपास की ताजा तरीन खबरों सुनने के लिए हमारे गढ़वा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।